हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बेक्ड पफ। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये आपके घर में पार्टी हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी, बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर रख सकते हो और गर्म करके इसे सर्व कर सकते हो। इसके लिए हमने खाली बर्तन में एक बाउल मैदा, एक बाउल से थोड़ा कम रवा लिया है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसे अच्छे से बेक्ड होंगी और क्रिस्पी बनेंगी। एक चम्मच नमक, दो चम्मच दही, दो चम्मच ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ऐड करते हुए इसका डो तैयार करेंगे। मीडियम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। चार आलू हमने बॉईल किए हुए मैश कर लिए हैं, दो हरी मिर्च इसमें हमने ऐड कर दी, ग्रेटेड अदरक, एक चम्मच नमक, ऑरेगेनो 1.5 चम्मच, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चम्मच अमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। आधा चम्मच हमने चिली पाउडर ऐड किया है, दो चम्मच सॉस, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डो चेक करते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल की डालकर इसे अच्छे से सेट करेंगे, जिससे ये स्मूथ हो जाए। इस तरह अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेके लोइयां बना लेंगे, पूरी की तरह इसे हमें बेलना है। इस तरह चारों किनारों पर
नाइफ से काट लेंगे जिससे चौकोर शेप हमें मिलेगी। पफ आसानी से बन जाएंगे। इस पोर्शन को भी हम बाकी बचे डो में मिला देंगे। इस तरह देखिए, अब हम इसमें फिलिंग ऐड करते हैं और इसे हम बंद कर देंगे। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हो तो इसके किनारों को पानी लगा करके चिपकाइए, नहीं तो ये खुल जाएंगे। क्योंकि हम बेक्ड कर रहे हैं तो हम इन्हें ऐसे भी चिपका सकते हैं। देखिए अच्छे से चिपक जाएंगे ये प्रेस कर कर। देखिए पफ हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह सारे पफ हम बना लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तंदूर पर हम इसे बेक कर रहे हैं। इसको हम ऑन कर देंगे, चेक करते हैं। एक बार और इन्हें हम बेक करेंगे। देखिए इस तरह से पफ बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह इन्हें सर्व कीजिए सॉस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह सारे पफ हम बनाकर तैयार करेंगे। बर्थडे पार्टी के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। देखिए इस तरह एक बार में 3-2 पफ हम बेक कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल में 12 पफ बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।